आप सभी का FD क्लासेस में स्वागत है। आज हम 1 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने प्रदेश में रबी फसलों का रकबा कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है? तो इनका सही आंसर है 5% बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में दलहनी फसलों का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों के धान की कटाई के साथ ही रबी की बुआई शुरू हो गई है। इस बार इसका क्षेत्रफल 5% बढ़ाने की तैयारी है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान 18,30,000 हेक्टेयर में रबी की फसल बोई गई थी। साथ ही कृषि विभाग ने इस साल 19,25,000 हेक्टेयर में फसल लगाने की योजना तैयार कर रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित किस योजना का चयन स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए चयन किया गया है? इनका सही आंसर है मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम हैं। चलिए इन सारी बातों को ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य दूध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में 18वें स्थान पर है दूध उत्पादन में। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में पाए जाने वाले नाटी और दुबली पतली देसी कौशली गायों ने दूध उत्पादन के मामले में देश के 36वें राज्य में 18वें स्थान पर पहुंचा दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति 159 ग्राम की दूध की आवश्यकता होती है, वही राष्ट्रीय औसत 406 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। चलिए ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही आंसर है 29 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। मार्च 2018 में जगुआर 2030 फोरम के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 रेन देशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए थे। इसके परिणामस्वरूप जगुआर 2030 वक्तव्य का निर्माण हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाने के प्रस्ताव सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक जगुआर संरक्षण पहल की एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित किया है। चलिए ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, प्रदेश में देवधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इनका सही आंसर है गरियाबंद जिले में स्थित है। ध्यान देंगे, ग्राम कुहाड़ी घाट और हीरा खदान पहली खंड के बीचों बीच प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देवधारा जलप्रपात स्थित है। यह वेरी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि पाली खंड अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जो कि हीरा खदान है, इसलिए जलप्रपात उसके पास होने से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान देंगे। गौरतलब है कि ये जलप्रपात वन भैंसों के लिए विख्यात उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र के बिहोड़ में स्थित हैं। देवभोग रायपुर राजमार्ग से डूमर पड़ाव गांव के पास से जागड़ा पाली खंड होते हुए देवधारा जलप्रपात पर पहुंचा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का किताब किसने जीत हासिल की है? इनका सही आंसर है रिया एक का मिस इंडिया का किताब जीत हासिल की है। ध्यान देंगे, प्रदेश के भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का किताब जीत हासिल की है। साल 2020 में रिया एक का मिस सरगुजा भी चुनी जा चुकी है। चलिए ध्यान देंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? इनका सही आंसर होगा कोरबा में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र
लगेंगे। नए संयंत्र बनने के बाद पावर कंपनी को अपनी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। वर्तमान में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। इनमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत हैं और 138.70 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन है। साथ ही 6 मेगावाट अन्य सह उत्पाद से बिजली उत्पन्न किया जाता है। चलिए आगे हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनका सही आंसर होगा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की है। ध्यान देंगे, भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता द्वीप समूह राष्ट्र में कठिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की है। बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान की जा रही है और मालदीव अपने आर्थिक सुधार में इनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। इनका सही आंसर होगा सुघर पढ़वे योजना की शुरुआत की गई है। यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघर पढ़वे योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में उत्कृष्ट अकादमी कौशल विकास करने के लिए स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्लेटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपये और गोल्ड पाने वाले स्कूलों को 50,000 रुपये और सिल्वर पाने वाले स्कूलों को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इनका उद्देश्य है स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किस राज्य को मिला है। इनका सही आंसर है नागालैंड को 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी मिला है। चलिए ध्यान देंगे, नागालैंड 1 से 10 दिसंबर 2022 तक नागा हेरिटेज विलेज किशामा में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करेगा। यह महोत्सव नागालैंड के सभी जाति समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित करना है और इसकी रक्षा करना है, इसके परंपराओं को प्रदर्शित करना है। महोत्सव के मुख्य आकर्षक के रूप में पारंपरिक नागा मुंगरस प्रदर्शन भी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुपोषण दर घटकर कितना रह गया है। इनका सही आंसर है 17.76% कुपोषण दर है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 31.3% हो गई है। कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया था। इसे भी ध्यान देंगे, 2 अक्टूबर 2019 से कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया है। आगे है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के आंकड़े के तहत 1 वर्ष में कुपोषण के दर 2.1% की कमी आई है। वजन त्यौहार के आंकड़े देखे तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो 2022 में घटकर 17.76% पर आ गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस शक्कर कारखाने ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनका सही आंसर है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडेरिया ने प्रथम स्थान हासिल की है। इसके बारे में ध्यान देंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडेरिया रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान हासिल किया है। कारखाने द्वारा 13.1% रिकवरी के साथ सीजन 2021-22 में 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रय किया है। इसे भी ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित की जाएगी। इनका सही आंसर है
गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित की जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, गोवा में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव लुसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लुसोफोन वे लोग हैं जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है या तो दूसरी भाषा सामान्य भाषा पुर्तगाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका सही आंसर है दुष्यंत कुमार वर्मा को राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया है। इसे जरूर ध्यान देंगे, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के लिए चुना गया है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।